हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड का क्लास 10 की फर्स्ट पोएम नंबर 1, पोएम का नाम है द फाउंटेन, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फाउंटेन मींस होता है फव्वारा। नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रसेल लोवेल। 1819 में उनका जन्म हुआ था। जेम्स रसेल लोवेल ने यहाँ पे फाउंटेन को एक इंस्पायरेशन माना है कि किस तरह से फाउंटेन इंस्पायर कर सकता है, किस तरह से प्रेरणा दे सकता है और कैसे कोई भी व्यक्ति फाउंटेन की तरह लगातार ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई प्राप्त करना, मींस ऊंचाई का मतलब उन्नति प्राप्त करना कर सकता है और कैसे लगातार प्रयत्न कर सकता है कि वो और अधिक ऊंचाई और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जाए। तो देखते हैं फाउंटेन को स्टेंजा वाइज, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टेंजा, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन यानी धूप में, सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश यानी धूप। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, फव्वारे को कहता है कि ये फव्वारे तुम सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में फुल ऑफ द लाइट दिखाई देते हो, अर्थात प्रकाशमान दिखाई देते हो। जैसे ही सूर्य की किरणें फव्वारे के स्प्रे होते हुए जल पर पड़ती हैं तो वो चमक उठती है। इसलिए क्या कहा है यहाँ पोएट ने, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट यानी धूप में तुम रोशनी से भरपूर होते हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स उछलते हुए, फ्लैशिंग मीन्स उछलते हुए। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यानी सुबह से लेकर के शाम तक, लीपिंग मीन्स उछलते रहते हो, फ्लैश मीन्स चमकते रहते हो। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तो क्या कहता है जेम्स रसेल लोवेल के, सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में तुम प्रकाश से परिपूर्ण होते हो सुबह से लेकर के शाम तक। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न किसके लिए, मॉर्निंग के लिए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी सुबह से लेकर के रात तक क्या करते रहते हो, लीपिंग उछलते रहते हो एंड फ्लैशिंग चमकते रहते हो। क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें उसके स्प्रे होते हुए वाटर पर पड़ती रहती हैं, पानी पर पड़ती रहती हैं, तो वो सारे दिन चमकता रहता है। तो सूर्य के प्रकाश में फव्वारे का किस तरह की अपीयरेंस होती है ये आपको फर्स्ट स्टेंजा में बताया। अब सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग्स ऑफ लोवर लाइक वैन द विंड्स ब्लो। इसमें क्या कहा है, इन टू द मून लाइट और चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी में, वाइटर देन स्नो, वाइटर मीन्स और अधिक सफ़ेद हो जाते हो, देन स्नो माने बर्फ से। तो फव्वारे को क्या कहता है यहाँ पोएट के, सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में तो तुम पूरे दिन चमकते रहते हो और ऊपर को लीपिंग करते रहते हो, उछलते रहते हो, जबकि चंद्रमा की रोशनी में अर्थात चांदनी में तुम बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देते हो। वेविंग सो फ्लोवर लाइक, वेविंग मीन्स वेव करते रहते हो, हिलते रहते हो, सो फ्लोवर लाइक जैसे पुष्प हिलता है, व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवा बहती है, जब हवा बहती है, जब हवा चलती है, जिस तरह से जब हवा चलती है तो फ्लोवर वेव करता है, पुष्प हिलता रहता है, तुम भी चंद्रमा की चांदनी में बर्फ से सफ़ेद दिखाई देते हो और फूल की तरह हिलते रहते हो। तो सूर्य के प्रकाश में कैसा दिखाई दिया, चंद्रमा की रोशनी में कैसा दिखाई दिया। तीसरे स्टेंजा में देखते हैं, इन टू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, इन टू द स्टार लाइट मीन्स तारों के प्रकाश में, तारों की रोशनी में, सितारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, रशिंग मीन्स जल्दी में, स्प्रे मीन्स बिखरते रहते हो। तो तारों की रोशनी में तुम्हें बिखरने की जल्दी होती है, हैप्पी एट मिडनाइट, और कहता है कि रात के आधी रात के समय भी तुम कैसे हो, हैप्पी दिखाई देते हो, हैप्पी एट डे, और दिन में भी तुम खुश दिखाई देते हो। अर्थात क्या कहता है कि फव्वारा आधी रात को यदि देखते हैं फव्वारे को तो उस समय भी प्रसन्नचित होता है, दिन में यदि हम उसको देखते हैं तो वो भी प्रसन्नचित होता है। तो इसी तरह से मनुष्य को भी किसी भी समय यदि मनुष्य को देखे तो उसे खुश रहना चाहिए, प्रसन्नचित रहना चाहिए, ये हमें फव्वारे से सीख लेना चाहिए।
जैसे फव्वारा हर समय प्रसन्न रहता है, जैसे फव्वारा हर समय क्या करता रहता है, फ्लैश करता रहता है, जिस तरह से लीपिंग करता रहता है, जिस तरह से वेविंग करता रहता है, यानी हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, लगातार टॉयल करता रहता है, कठिन परिश्रम करता रहता है, और सबसे बड़ी बात कंटिन्यूटी रखता है, निरंतरता रखता है, तो उस तरह से पोएट कहता है कि व्यक्ति को भी अपने अंदर ये सब गुण देने चाहिए। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में यदि हम देखें तो ये लाइट है, ये नाइट से राइमिंग कर रही है, तो राइमिंग वर्ड यदि पूछा जाए तो नाइट और लाइट, और यहाँ क्या है, सनशाइन और फ्लैशिंग, इनको देखें तो ये कहीं ना कहीं मैच करते हैं। इसी तरह से यहाँ देखें हम लाइट और लाइक, यानी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ, और सेकंड लाइन स्नो किसके साथ, ब्लो, स्नो किसके साथ कर रही है लाइन, ब्लो के साथ कर रही है, तो यहाँ लाइट की राइमिंग किसके साथ हुई, लाइक के साथ हुई, और यहाँ स्नो की राइमिंग किसके साथ होती है, स्नो की होती है ब्लो के साथ, तो ये राइमिंग वर्ड इस स्टेंजा के हुए। इस स्टेंजा में यदि हम देखें तो क्या हुआ, स्टार लाइट फर्स्ट लाइन किसके साथ, थर्ड लाइन, तो स्टार लाइट का नाइट के साथ हुआ, और यहाँ स्प्रे और डे, तो यानी स्प्रे राइम करता है डे के साथ और स्टार लाइट राइम करती है नाइट के साथ। स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, तो स्टेंजा में राइमिंग वर्ड का मतलब, राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, यानी साउंड जिसकी एक जैसी होती है, जैसे लाइट लाइक स्नो ब्लो, तो जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स ये हैं, सेकंड स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स ये हैं, और थर्ड स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स ये हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फोर्थ स्टेंजा फाउंटेन का। स्टूडेंट्स स्टेंजा नंबर फोर, एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेवर ए वियरी। एवर इन मोशन, यहाँ पोएट कहता है फाउंटेन को कि फाउंटेन एवर इन मोशन, तुम हमेशा मोशन में रहते हो, मींस हमेशा निरंतर गतिशील रहते हो। ब्लिथसम एंड चेरी, ब्लिथसम माने होता है खुश, एंड चेरी माने प्रसन्न, तुम हमेशा निरंतर गतिशील रहते हो और हमेशा प्रसन्नचित और खुश रहते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेवर वियरी, स्टिल माने होता है हमेशा, क्लाइंबिंग माने चढ़ते हुए, हेवन वार्ड मीन आकाश को की तरफ, नेवर ए वियरी, और तुम हमेशा आकाश की तरफ यानी आगे और ऊंचा चढ़ने का प्रयत्न करते रहते हो। नेवर ए वियरी, वियरी मीन्स होता है थकना, और आप कभी नहीं थकते, अर्थात निरंतर आगे बढ़ने के लिए, निरंतर ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हो और कभी नहीं थकते। तो इस स्टेंजा में मनुष्य को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस तरह से फाउंटेन क्या होता है, हमेशा गतिशील रहता है और हमेशा प्रसन्न रहता है और खुश रहता है, हमेशा आकाश की तरफ यानी ऊंचाइयों को प्राप्त करने, शिखर प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है और कभी नहीं थकता है, निरंतर बिना थके अथक परिश्रम करता रहता है। तो यहाँ मनुष्य को भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मनुष्य भी इसी तरह से कर सकता है, वो भी लगातार प्रयत्न कर सकता है और बिना थके हुए लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। इस स्टैंजा में यदि हम देखें तो क्या है, चेयरी एंड वियरी, तो चेयरी किसके साथ, चेयरी और वियरी आपस में क्या है, राइमिंग वर्ड है, तो चेयरी राइम्स विद वियरी। फिफ्थ स्टेंजा में देखते हैं, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड माने खुश रहना, ऑफ ऑल वेदर्स मीन्स चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दियों का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, आप सभी मौसम में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल माने हमेशा, सीमिंग दिखाई देते हैं, बेस्ट माने हमेशा तरोताज़ा दिखाई देते हैं, हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। मनुष्य कभी कैसा होता है, मनुष्य हमेशा एक जैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन फव्वारा हमेशा तरोताज़ा दिखाई देता, हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है, चाहे वो कोई भी वेदर हो। अपवार्ड और डाउनवार्ड मोशन थाई रेस्ट, और क्या कहता है, अपवार्ड ऊपर की ओर, डाउनवार्ड नीचे की ओर, मोशन थाई रेस्ट, गति ही तुम्हारा विश्राम है, अर्थात तुम विश्राम नहीं करते, कभी ऊपर की तरफ गति करते रहते हो, कभी नीचे की तरफ गति करते रहते हो, और विश्राम ही तुम्हारा
और सॉरी गति ही तुम्हारा विश्राम है। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसम में प्रसन्न रहते हो, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हो, अपवार्ड और डाउनवर्ड्स, कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर, मोशन थाई रेस्ट, विश्राम जो है तुम्हारा, मोशन ही तुम्हारा विश्राम है, यानी गति करते रहना ही तुम्हारा विश्राम है, गति में ही तुम्हारा विश्राम है। यहाँ बेस्ट और रेस्ट, तो यहाँ यदि हम देखें बेस्ट किसके साथ, रेस्ट के साथ, तो बेस्ट और रेस्ट इसमें राइमिंग वर्ड्स है। कई बार देखिए क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के थाई, थाई किसके लिए स्टैंड हुआ है, थाई इज यूज हेयर और फाउंटेन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि फॉर व्हाट, व्हाट फॉर डज थाई स्टैंड हेयर, कि थाई यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, तो थाई इज यूज हेयर फॉर फाउंटेन। सिक्स पैराग्राफ में देखते हैं, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर तुम प्रकृति से भरपूर हो, अर्थात आपके अंदर भरपूर एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, नथिंग कैन टेम, इतनी एनर्जी है कि कोई भी तुम्हें टेम नहीं कर सकता, टेम मीन्स होता है पालतू बनाना, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है, प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि तुम्हें कोई भी पालतू नहीं बना सकता, टेम मीन्स होता है पालतू बनाना। चेंज एवर मोमेंट, और क्या होता है, चेंज एवरी मोमेंट, तुम प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते रहते हो, कभी अप कभी डाउन, तो चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक पल तुम परिवर्तित होते रहते हो, बदलते रहते हो, एवर द सेम, और फिर भी हमेशा सेम माने एक जैसे दिखाई देते हो, तो तुम ऊर्जा से भरपूर होते हो, और इतनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर होती है कि तुम्हें कोई भी पालतू नहीं बना सकता, और हर पल तुम परिवर्तित होते रहते हो, फिर भी तुम हमेशा एक जैसे दिखाई देते हो। तो इस तरह से फाउंटेन को क्या कहा, एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग, हेवन वार्ड नेवर एवियरी, कि तुम हमेशा गतिशील रहते हो और फिर भी प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो, हमेशा आकाश की ओर आसमान की ओर चढ़ने का प्रयत्न करते रहते हो और कभी नहीं थकते हो, बिना थके निरंतर परिश्रम करते रहते हो। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसम में आप खुश रहते हैं, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फिर भी हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं, अपवार्ड और डाउनवर्ड, कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर, मोशन थाई रेस्ट, और गति करना ही तुम्हारा विश्राम है। फुल ऑफ नेचर, कि तुम ऊर्जा से भरपूर हो, नथिंग कैन टेम, और कोई भी तुम्हें पालतू नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, तुम हर पल बदलते रहते हो, एवर द सेम, और फिर भी तुम हमेशा एक जैसे दिखाई देते हो, यानी परिवर्तित होते रहते हो, फिर भी एक से दिखाई देते हैं, तो ये फाउंटेन की क्वालिटीज बताई हैं। अब देखते हैं स्टैंजा नंबर 7, स्टूडेंट पैराग्राफ स्टैंजा 7 में क्या कहता है पोएट, सीजलेस आस्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। क्या कहता है, सीजलेस मीन्स होता है कंटिन्यू, निरंतर, लगातार, आस्प्रिंग मीन्स होता है ऊपर उठते जाना, के फाउंटेन तुम लगातार ऊपर उठते जा रहे हो, ऊपर उठते जाते हो, सीजलेस कंटेंट, और लगातार तुम क्या हो, कंटेंट हो, संतुष्ट हो, अर्थात तुम लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो, ऊपर और ऊपर उठता जाना चाहते हो, और उसके साथ साथ तुम लगातार अपनी हाइट से, अपनी ऊंचाइयों से, जो शिखर तुमने प्राप्त किया है उससे संतुष्ट भी हो। डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट, डार्कनेस मीन्स अंधकार और सनशाइन मीन्स दिन का प्रकाश, थाई एलिमेंट तुम्हारे तत्व हैं, इन चीज़ों से मिलकर के तुम बने हो। यहाँ क्या कहना चाहता है पोएट, कि डार्कनेस और सनशाइन, या ना तो अंधकार तुम पर कोई प्रभाव डाल पाता है, और ना सनशाइन, और ना ही दिन के उजाले तुम्हें प्रभावित कर पाते हैं, थाई एलिमेंट ये तुम्हारे तत्व हैं, अर्थात तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो दिन के उजाले का प्रभाव पड़ता है, ना दिन की रोशनी का प्रभाव पड़ता है, और ना ही रात्रि के अंधकार का। यहाँ इसका इस्तेमाल हम डार्कनेस और सनशाइन का सिम्बोलिक रूप में दूसरा भी ले सकते हैं, कि दुख और सुख भी हम कह सकते हैं, डार्कनेस को हम दुख कह सकते हैं, सनशाइन को हम सुख कह सकते हैं। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पोएट ये कहना चाह है कि दुख और सुख, यानी डार्कनेस और सनशाइन, दुख और सुख का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो तुम दुख में विचलित होते हो, ना तुम सुख में विचलित होते हो, लगातार लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो, और लगातार तुम अपने आप में अपनी ऊंचाइयों से संतुष्ट हो। तो बहुत बड़ी बात यहाँ इस लाइन में कही है
कि डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट, क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं होता, मनुष्य सुख और दुख में प्रभावित हो जाता है, उसका व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन फाउंटेन के बारे में कहा है कि डार्कनेस और सनशाइन उसको प्रभावित नहीं कर पाते, ऐसा लगता है जैसे कि डार्कनेस और अंधकार से मिलकर के वो बने हैं। अब फाउंटेन यानी जो चीज़ जिस तत्वों से मिलकर के बनी है वो तत्व उसको प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए कहा डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट तुम्हारे तत्व हैं, तुम्हारे पार्ट ऑफ योर बॉडी हैं, इसलिए तुम उनसे प्रभावित नहीं होते हो। लास्ट में देखिए, अब तक जो सेवन स्टैंजर्स थे, सेवन स्टैंजर्स में जो पोएट है वो क्वालिटी आपको बता रहा है फाउंटेन के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, कैसा होता है फाउंटेन, क्या करता है, और लास्ट में ये सारी क्वालिटी देख करके अब पोएट क्या विश करता है, पोएट विश करता है कि मैं भी फाउंटेन की तरह का बन जाऊं, भगवान मुझे फाउंटेन की तरह का बना दे ताकि मैं भी फाउंटेन की तरह निरंतरता मेरे अंदर आ जाए। क्या कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन के शानदार फव्वारे। देखिए हमारे को एक्सक्लेमेशन दिया है, इसका मतलब यहाँ इसको एड्रेस किया है, ग्लोरियस फाउंटेन हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह बन जाए, जैसे तुम हो मेरा दिल भी है शानदार फव्वारे, मुझे भी अपने जैसा बना ले, मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊँ, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट, फ्रेश हमेशा तरोताजा रहूँ, चेंजफुल परिवर्तनशील रहूँ, कॉन्स्टेंट फिर भी स्थिर रहूँ, अपवार्ड लाइक थी और तुम्हारी तरह लगातार शिखर उन्नति का प्राप्त करता चलूँ, ऊँचाइयों को प्राप्त करता रहूँ। तो फाउंटेन को कह रहा है कि मुझे भी अपने जैसा बना लो, और कैसा बना लो, कि मैं भी तरोताजा रहूँ, हमेशा खुश दिखाई दूँ, प्रसन्न चित्त दिखाई दूँ, परिवर्तनशील रहूँ यानी बदलता रहूँ, कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार स्थिर रहूँ, अपवार्ड लाइक थी और तुम्हारी तरह से लगातार ऊँचाइयाँ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहूँ, अर्थात बिना थके हुए लगातार उन्नति के शिखर पर प्राप्त करता रहूँ। तो फव्वारे को कहता है कि मैं विश करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊँ, और उसको एड्रेस करते हुए कहता है कि यह शानदार फव्वारे, मुझे भी अपने जैसा बना लो। अब देखिए जो सेवंथ है, सेवंथ में क्या है, कंटेंट और एलिमेंट, तो ये राइमिंग वर्ड है, और स्प्रिंग और सनशाइन ये भी कहीं ना कहीं राइम करते हैं, लेकिन कंटेंट और एलिमेंट कंप्लीटली राइम करते हैं। यहाँ क्या है, फाउंटेन और कॉन्स्टेंट उतना नहीं करते राइमिंग जितना कि बी एंड थी करते हैं, तो बी और दी ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। और देखिए यहाँ ये भी है लाइक दी, यहाँ फिर से दी आया, तो दी फिर से किसके लिए यूज़ किया गया, हेयर द या दी इज यूज फॉर फाउंटेन, फाउंटेन के लिए दी वर्ड यूज किया गया। अब यहाँ एड्रेस किसको किया है पोएट ने, एड्रेस किया ग्लोरियस फाउंटेन को, ग्लोरियस फाउंटेन को एड्रेस किया है। एक बार फिर से देखते हैं, सीजलेस एस्पिरिंग सीजलेस कंटेंट, कि लगातार आप ऊंचाइयों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हो, सीजलेस कंटेंट, और निरंतर तुम संतुष्ट भी रहते हो, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट, अंधकार और दिन का प्रकाश तुम्हारे तत्व हैं, तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते, ग्लोरियस फाउंटेन है शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, कि मुझे भी अपने जैसा बना लो, चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी, और मैं भी क्या रहूँ, फ्रेश हो जाऊँ यानी तरोताजा दिखूँ, हमेशा परिवर्तनशील रहूं और फिर भी स्थिर रहूं, अपवाद लाइक थी और तुम्हारी तरह से लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहूं, ऊंचाइयां प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम नंबर 1 यूपी बोर्ड क्लास 10th, पोएम नंबर 1 द फाउंटेन, कंपोज बाय जेम्स रसेल लॉवेल। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब इसका लाभ उठा सके, और सब अपनी अपनी तैयारी इस लेक्चर के, इस वीडियो के माध्यम से करते रहें। तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए यदि आपको अच्छी लगती है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।